क्लास स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट आज की डेट है 15/11/2021। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है आपकी 11.4। फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम स्कूल में जब ऑफलाइन मिले थे तब किया था, फिर भी मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें आपके पास मान लीजिए थर्ड है, थर्ड पॉइंट है, ए आपको दिया है 0.3, बी आपको दिया है 0.4 एंड सी आपको दिया है 0.5। ठीक है, इतना इतना मीटर बोला है इन्होंने। तो इसमें हमारे लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगा जो बड़ा है, बड़ा है वो है 0.5। और हमारे पास फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो परपेंडिकुलर में हम इन दोनों को किसी को भी ले सकते हैं, बाकी बचे हुए को 0.3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर हम 0.4 का स्क्वायर ले सकते हैं और हाइपोटेन्यूस की जगह पर 0.5 का, क्योंकि हमें बड़े को ही हाइपोटेन्यूस लेना होता है। तो इन दोनों का हमने देखना है, ये हो गया 0.09, ये हुआ 0.16, ये 0.25। तो 0.25 इक्वल अगर इनको प्लस करते हो तो 0.25 ही आता है। ठीक है, तो हम इसको हम कह सकते हैं यस, दीज आर द लेंथ ऑफ, यस दीज आर द लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, बात समझ में आई। जो बड़ी वाली साइड होगी, जो भी बड़ा नंबर होगा उसे आप हाइपोटेन्यूज की जगह पे रखेंगे, बाकी दोनों छोटों को परपेंडिकुलर और बेस की जगह पे रख दीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायगोनल एसी दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द पार्क इज 12 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 5 मीटर, विच रूट इज शॉर्टर, ए बी प्लस बी सी या फिर डायरेक्ट ए सी, कौन सा रास्ता छोटा है। कहने का मतलब ये है, ये जो फिगर बता रहे हैं इन्होंने, फिगर है ए बी सी डी, कौन सा रास्ता छोटा है, ए से बी जाकर के बी से सी पे आना या फिर डायरेक्ट ए से सी आना, कौन सा रास्ता छोटा पड़ेगा, विच रूट इज शॉर्टर, कौन सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू दे रखी है, एक तो इन्होंने जो लेंथ है वो 12 बोली है यानी 12 है और जो ब्रेथ बोली है वो 5 मीटर है, लेकिन हमारे पास एसी का तो नहीं पता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है बीच में। जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एक तरफ 12 है एक तरफ 5 है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू एसी, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम कह दो या फिर फॉर्मूला कह दो। फॉर्मूला हमारा कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे हाइपोटेन्यूज की जगह पे कौन हो जाएगा, वो है एसी, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे हमारा ए बी हो जाएगा और बेस की जगह पर हमारा बी सी हो जाएगा। हाँ जी, तो इसमें से हमारा ये 5 स्क्वायर है, ये हमारा 12 है, तो इसका 12 का स्क्वायर है, 5 का 25 और 12 का 144,
दोनों का प्लस 169, यहाँ पर हमारे पास एसी स्क्वायर चला आ रहा है, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास एसी जो है वो है 13 मीटर, क्योंकि बाकी सब तो मीटर में ही गिवन है ना। इसके बाद हमें देखना है कि उसका कौन सा रास्ता छोटा है, जैसे कि ए बी प्लस बी सी करते हैं पहले, तो ए बी हमारा 5 है, बी सी 12 है, तो ये हो गया 17 मीटर का, और ए सी सिर्फ और सिर्फ 13 मीटर है, तो कौन सा छोटा है, ए सी वाला रास्ता, ठीक है। और कितना छोटा है तो हम लिख सकते हैं AC root is shorter, AC A से लेके C तक को जाने वाला रास्ता छोटा पड़ेगा, पर कितना छोटा पड़ेगा ये हम लिख सकते हैं 17 minus 13, 4 मीटर तक छोटा पड़ेगा, 4 मीटर का रास्ता छोटा, ठीक है, 4 मीटर की कमी है। क्वेश्चन नंबर 5, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर, इफ इट्स ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। देखो कई चीजें घुमा दी मैंने, एक तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है और उसमें भी ब्रेथ बताई है आपको, ब्रेथ है जैसे कि 5 मीटर, लेंथ मालूम नहीं है कितनी है, और साथ में एक चीज और, ये डायगोनल भी हमसे जानना चाहते हैं कि डायगोनल कितना है, ठीक है, देख लेते। ये 5 क्या है, ये तो ब्रेथ है, ये तो ब्रेथ दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दी है, पेरीमीटर ऑफ और रेक्टेंगल वो दिया है 34 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, ठीक है, 34 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 34 सेंटीमीटर। और आपको याद हो मैंने, चलिए अभी इसी में रख ही लेते हैं, लेंथ की जगह पर लेंथ मालूम नहीं है, ब्रेथ मालूम है, वो 5 लिख देंगे हम, 34, तो लेंथ प्लस 5 यही रहेगा, और जो 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो कितना आया, लेंथ इज इक्वल टू, ये कटने के बाद 17 आएगा, और इस 17 में से ये 5 जो प्लस हो रहा था साइड में, लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में आके माइनस होगा, तो लेंथ कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ 12 है और ब्रेथ 5 है, तो हमें डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकलेगा बाय पाइथागोरस फॉर्मूले, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, जिसके के अंदर हमारा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हो जाएगा डायगोनल, तो जो डायगोनल है उसका स्क्वायर निकलेगा, परपेंडिकुलर कितना है इसका 5, बेस है इसका, अभी जो लेंथ निकला है वो 12, तो 5 का स्क्वायर, अभी अभी देखो ये अभी जो पहले ऊपर सॉल्व किया ये वही क्वेश्चन द्वारा बन गया, 169 यहाँ पर 13 का स्क्वायर, तो जो डायगोनल स्क्वायर है बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर करते ही डायगोनल कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, बोलो कैसे, किसको टू को ये को मल्टीप्लाई करके 5 के साथ और 5 के साथ तो 12 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इधर जाके माइनस कर देते। अच्छा मतलब आप ये इसको ये कहना चाहते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा फिर? नहीं नहीं सुनो,
मैं मुश्किल और आसान नहीं बोलूंगा इसे, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, तब भी आ सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, वैसे भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जैसे समझ में आए वो वैसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मांगा है, द साइज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, दो ट्राइंगल की साइज दी हुई है आपसे, ये पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 6 डू योर सेल्फ, अब करना क्या है, इसका हिंट क्या है, हिंट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी तीन साइड दी हुई थी, देख लो क्वेश्चन नंबर 3 में भी तीन साइड दी थी ना, और उसमें भी आपको ये पता करना था कि ये तीनों साइड किसी ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की हैं या नहीं है, इसमें भी यही पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप लीजिएगा, जो बिल्कुल इसमें भी जो बड़ी साइड है जैसे कि C10 दिया है तो वही हाइपोटेन्यूस है, वो बड़ा है ना इसलिए उसी को हाइपोटेन्यूस लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल और राइट एंगल एट सी, आइसोसेलस ट्राइंगल किसे कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है, जैसे ये हो गया ABC, ये यहाँ 90 डिग्री है और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल लेकिन आइसोसेलस, जिसमें से सी 90 डिग्री है, AB आपको प्रूव करना है कि AB जो है वो AC का डबल है। चलिए तो देखते हैं, ये बाय पहले तो ये बताना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलस। अब एक बार बताओ कौन, मैंने BC को AC के बराबर बोला है, इनमें से किसी एक को मैं हटा दूं, मान लो मैंने इसको हटा दिया, अगर यहां से क्या हम इसके बराबर इसे बोल सकते हैं, कोई बच्चा बताओ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, नहीं आइसोसेलस में कोई भी दो साइड इक्वल होता है, तो मैंने इन दोनों को साइड को अगर इक्वल बोल रहा हूं तो इसमें क्या गलती है, इन दोनों में इस बात में ये गलती है कि अब जो एक साइड ली है ना आपने, ये वाली जो कि एक नीचे वाली साइड के बराबर बोली है, ये साइड 90 डिग्री के सामने की साइड है और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, क्या होता है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस जो होता है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, वो किसी के बराबर नहीं होती है, वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, वो किसी के बराबर नहीं होती है, अगर होंगी भी ना कोई दो साइड बराबर तो हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बाकी दोनों साइड बराबर हो सकती है, बस हाइपोटेन्यूस किसी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस केवल यही एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, हाइपोटेन्यूस ना तो कभी बेस के बराबर होगा और ना ही परपेंडिकुलर के बराबर होगा, तो इस हिसाब से हमारे पास इसके अंदर AC BC के बराबर माना जाएगा, और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री भी है इसके अंदर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला जो कि हमारा फॉर्मूला कहता है h² = p² + b², तो हाइपोटेन्यूस की जगह पर हमारा है AB, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर = परपेंडिकुलर की जगह पर हम लिखेंगे AC और बेस की जगह पर BC, तो अब क्या कर सकते हैं हम, आप यहां देखिए AC बराबर है BC के,
एसी बराबर है बीसी के, तो हम एसी को एसी और बीसी को भी एसी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एसी है वो बीसी के ही तो बराबर है, तो बीसी को हटा करके, बीसी को हटा के हम एसी का भी यूज कर सकते हैं, ये आपस में बराबर है। तो इस हिसाब से एबी का स्क्वायर या एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर मिल जाएगा, तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर। ये वही है जो हमें सॉल्व करना था आपकी कॉपी में, बुक में यही करना था, यही प्रूव करना था हमें कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देख लीजिए क्वेश्चन 7 में यही लिखा हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आप जो वीडियो में शेयर करूंगा उसको अच्छे से देख करके फिर से समझ लीजिए। अ मैन गोज 8 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप ये जानते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, सबसे पहले किस तरफ गया है, ईस्ट की तरफ गया है 10 मीटर। मान लीजिए यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ईस्ट की तरफ गया, कितना 10 मीटर, और उसके बाद कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ 24 मीटर, ऊपर की तरफ गया नॉर्थ की तरफ 24 मीटर। तो अब ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये क्या बना आपका, ये आपका बना है क्या, बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये तो हाँ, तो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो एक आपके पास आ जाएगा 24 मीटर, एक आ गया 10 मीटर, और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालोगे कैसे निकालोगे, जो भी इनका आया है बाय पाइथागोरस से ही निकाल सकते हो, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस जो भी निकलेगा ये हाइपोटेन्यूज ही है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या, पहले वो लिख लेते हैं हम। तो वो है हमारा h² = p² + d², तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम लिखेंगे डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर की जगह पे हमने लिख दिया मान लीजिए 24 का स्क्वायर, और बी की जगह पे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक मिनट रुकना बेटा, लगता तो इमरजेंसी वाला कॉल हो चुकी का जी, ठीक है। ये हुआ हमारा 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576। आपको 30 तक के स्क्वायर लर्न करने के लिए मैंने बोले हुए थे, 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 676, और 676 होता है 26 का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर चला आ रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इनके स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, तो डिस्टेंस कितना आया, 26 मीटर, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन से उस व्यक्ति, वो व्यक्ति अभी 26 मीटर दूर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज मेजर, साइड मेजर्स आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर। तो मैं इस फिगर को बना रहा हूँ, और ये अब आप खुद करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे डायगोनल मांगा है, ये डायगोनल कितना होगा, और जिसमें आपके पास जो लेंथ और ब्रेथ बताई है वो 15 मीटर और 20 मीटर बोली है। ऐसा कोई क्वेश्चन किया है हमने, बताइए जल्दी से, अभी किया किया है ना,
तो कौन सा क्वेश्चन दिया है, कौन सा वाला, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है ना, क्वेश्चन 4 और 5 दोनों वैसा ही है हिंट के तौर पे। हाँ क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 हिंट में है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा एक ट्री 32 मीटर हाई ब्रोक एट अ पॉइंट 7 मीटर अबव द ग्राउंड बट डिड नॉट सेपरेट इट टॉप टचिंग द ग्राउंड। अब ये कह रहे हैं कि एक पेड़ था और लगभग कितना मीटर ऊंचा था, 32 मीटर का, 32 मीटर का यहाँ तक का एक पेड़ था, ये जो भी मान लो ऐसे। अब ये टूट गया यहाँ से 7 मीटर से, 7 मीटर से ब्रोक हुआ तो ये पेड़ टूट के अलग नहीं हुआ बल्कि ये नीचे की तरफ गिर गया, जैसे पेड़ गिर के जमीन से छू जाते हैं ना, याद है 7 मीटर, तो 32 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 25 मीटर, तो यहाँ पर 25 मीटर नीचे इस तरफ आ गया तो जमीन से टच कर रहा है ये, बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो जमीन से टच कर गया। अब हमें ये पता करना है कि इसका ऊपर का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में कितनी दूर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस आपको मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया और क्या नहीं मिला, बेस। इसमें हमें पता करना है कि इनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो बे इसमें बाय पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला जिसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि हमें बी निकालना है तो एच स्क्वायर के पास पी पहुंचा देंगे माइनस का, और यहाँ पे अकेला बी स्क्वायर छोड़ देंगे, प्लस का पी हाइपोटेन्यूस के पास आया माइनस का हो गया, तो हम इस तरह से बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर है, ये 625 होता है, ये 49 होता है, माइनस करो तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 576 कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 24 का स्क्वायर, तो बेस कितनी दूर हो गया 24 मीटर, 25 मीटर सॉरी 24 मीटर दूर। तो हम लिख सकते हैं इसको एट व्हाट डिस्टेंस इज द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द बॉटम, तो टॉप डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम हो गया 24 मीटर, टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस 24 मीटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, आई वॉक 15 मीटर नॉर्थ एंड देन 8 मीटर वेस्ट, तो अब जैसे आपके पास नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कहता कि 15 मीटर पहले मैं नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद कहाँ गया, वेस्ट की तरफ 8 मीटर, 8 मीटर वेस्ट की तरफ गया। अब हमसे पूछा है
हाउ फार अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एम आई नाउ, अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर हूँ, ठीक है। डू योर सेल्फ इसका हिंट है, अभी सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर क्या था वो, नॉर्थ और साउथ वाला, ईस्ट वेस्ट वाला, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट उसके लिए हिंट के तौर पे आप ये देखोगे तो यहाँ तो बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, है ना, क्योंकि एक परपेंडिकुलर बन जाएगा और एक बेस का काम करेगा, तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो आपका होमवर्क है कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर 11 इन पेयर नोटबुक, याद रहे जब स्कूल आओगे नेक्स्ट टाइम तो आप नोटबुक लेके आएंगे, ठीक है, ये चेक होगा आपका, कंप्लीट चैप्टर 11 इन पेयर नोटबुक। हाँ मंडे को आना है, तब तक आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, ओके, वो देखेंगे कौन सा वर्ग का।